Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जय हिंद साथियों, मैं गौरव कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा चैनल ज्ञानदायिनी ऑनलाइन क्लास में। आज का जो टॉपिक है एनालॉजी का थर्ड पार्ट है, दो पार्ट इसके आ चुके हैं, जिन्होंने नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। टाइप फर्स्ट है आपका वर्ड एनालॉजी, टाइप सेकंड आपका लेटर एनालॉजी हो गया, और टाइप थर्ड आपका जो आज शुरू होगा वो है आपका नंबर एनालॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है ये आज वाला। दो फर्स्ट टाइप को अगर ना भी देखें तो भी चल जाएगा, क्यों? क्योंकि उसको करने के लिए, टाइप फर्स्ट को करने के लिए सभी सब्जेक्ट की नॉलेज हमें प्रॉपर होनी चाहिए, लेकिन सेकंड और थर्ड आसानी से कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि टाइप फर्स्ट को छोड़ देना है, करना उसको भी है, भले से वीडियो ना देखो लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन उसके आपको बनाने हैं प्रैक्टिस सेट में से या फिर आपके पास जो भी बुक होगी उसमें से। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन, स्क्रीन पर आपके आ चुका है। ये है आपका टाइप थर्ड नंबर एनालॉजी। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, 25 का जो रिलेशन है वो 625 से दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि 35 का रिलेशन किससे बनेगा। ठीक है, तो 25 का संबंध 625 से, 25 का स्क्वायर है ये, 25 का स्क्वायर कितना हो गया 625, तो ऐसे ही 35 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 × 25 = 25, 4 × 12, 35 का स्क्वायर हो जाएगा 12 × 25। अब 12 × 25 तो किसी ऑप्शन में है नहीं, अब जब 12 × 25 किसी ऑप्शन में नहीं है तो फिर इसमें कोई दूसरा तरीका लग रहा होगा। जब ये यहाँ पे 25 का स्क्वायर है, ठीक, तो 35 का स्क्वायर 12 × 25 है नहीं, तो फिर दूसरा तरीका देखो इसमें ये है, 25 और 625 में कितने का अंतर चल रहा है, 600 का, यानी कि अगर मैं 25 में 600 जोड़ दूँ तो 625 बन जाएगा, उसी प्रकार से 35 में 600 जोड़ दो तो 635 बन जाएगा। तो इसलिए ये थोड़े से सवाल टिपिकल होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि अगर एक बार आप समझोगे तो क्वेश्चन आसान है, अगर बिल्कुल ही इसको, ये टॉपिक को नेगलेक्ट करके जाओगे एग्ज़ाम में तो फिर पूरे में से पूरे नंबर लाने के हकदार नहीं हो आप रीजनिंग में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्योंकि कोई भी टॉपिक छोटा या बड़ा नहीं होता, ठीक, कुछ तो इस टॉपिक को देखते भी नहीं है। सेकेंड है आपका 583 का रिलेशन दिया हुआ है आपका 488 से, तो आपको बताना है कि 293 का जो रिलेशन है वो किससे होगा। तो यहाँ पे जो तरीका है वो पहले तो ये है कि अंतर करके देख लो, अंतर करके हम देख रहे हैं 13 में से 8 गया 5, 17 में से 8 गया 9, 95 का अंतर है, तो ऐसे ही इसमें 95 घटाओगे, तो जब तुम 95 घटाओगे तो ध्यान से देखो, 293 जब 95 घटाओगे तो संख्या 293 से छोटी आएगी, तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जो 293 से छोटा हो, केवल एक ही ऑप्शन है 291, तो वो 95 घटने पर तो 291 बनेगा नहीं, तो ये तरीका तो इसमें लग नहीं रहा। फिर उसमें और क्या तरीका हो सकता है, तो इसमें अंकों का योग करके हम देख रहे हैं 583, 8 × 5 = 13 कितना हो गया 16, 8 × 8 = 16 कितना हो गया 20, तो यहाँ जो अंकों का योग था वो 16 आया, यहाँ कितना है 20, तो कितना प्लस हो गया 4, तो ऐसे ही इसमें अंकों का योग करके देखो 9 × 2 = 11 और 3 = 14, तो 14 में 4 प्लस करेंगे तो कितना बनेगा 18, तो अब ऐसा ऑप्शन ढूंढो जिसमें अंकों का योग 18 हो। पहला ऑप्शन है आपका 8 × 5 = 13 = 14, ठीक, दूसरा है 9 × 2 = 11 = 12, तीसरा है 7 × 3 = 18, 18 ही हमें चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। तो क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा हम इसमें करने का प्रयास करेंगे, 50 क्वेश्चन इसमें बनाएंगे, तो वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन किस तरीके से हम कर रहे हैं, तरीके कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं वो हमें सीखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड देखो, थर्ड में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड है आपका 1 8 1 का रिलेशन 8 से दिया हुआ है, तो 4 का संबंध किससे हो जाएगा ये आपको बताना है। काफ़ी अच्छा सवाल है, देखो यहाँ पे क्या चल रहा है, 1³ 2³, फिर 2² यहाँ पे इस संख्या का दुगना चल रहा है, 1² 2, तो 2² कितना होगा 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4² ठीक है, तो कितना हो जाएगा 16, ठीक, सॉरी 1³ चल रहा है, 2³ 2² हाँ 4² 16, तो आंसर क्या हो गया आपका 16, लेकिन ऑप्शन में तो 16 है ही नहीं, फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, थर्ड में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड है आपका 1 का रिलेशन है 8 से, और 4 का संबंध हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क क्या आएगा। तो देखो यहाँ पे तरीका क्या चल रहा है, यहाँ जो है 1² 2³,
एक का स्क्वायर दो का क्यूब, यानी कि जस्ट इसका डबल चल रही है यहाँ पे जो संख्या है, तो यहाँ क्या है ये दो का स्क्वायर, तो दो की डबल संख्या क्या हो जाएगी चार, एक का स्क्वायर दो का क्यूब, दो का स्क्वायर चार का क्यूब, तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा 64, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर फोर, फोर में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर फोर, फोर क्वेश्चन काफ़ी आसान भी है और थोड़ा सा ट्रिकी भी है, छः का संबंध और अच्छा सवाल भी है, छः का संबंध दो से दिया हुआ है, आठ का संबंध आपको बताना है किससे होगा, तो ध्यान से देखो ये छः को अगर मैं तीन से, छः का आधा क्या होता है तीन, तो छः के आधे से अगर इसको भाग कर दो तो ये दो बन जाएगा, ऐसे ही आठ का आधा क्या होता है चार, अब चार को आठ से भाग करें तो आंसर आ जाएगा दो, लेकिन अगर मैं ध्यान से देख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर फोर के कोई भी ऑप्शन में दो नहीं है, तो ये तरीका तो है नहीं, फिर इसका दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा, तो ये तरीके ही सीख रहे हैं हम, ये टाइप थर्ड बहुत इंटरेस्टिंग है आपका, तो छः को आधा कर दिया मैंने, छः का आधा कितना हो गया तीन, उसमें से एक घटा दिया कितना मिल गया दो, तो ऐसे ही मैं अगर आठ का आधा कर दूँ तो आठ का आधा कितना हो जाएगा आपका, आठ को जब दो से भाग करोगे चार, उसमें से एक घटा दो तो कितना मिलेगा तीन, तीन आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, तो फोर्थ का हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर फाइव देखेंगे, फाइव में क्या कहा गया है, फाइव है आपका तीन सत्ताईस, तीन सत्ताईस चार क्वेश्चन मार्क क्या आएगा, ये तो आपने आसानी से कर लिया होगा, तीन का क्यूब है तो चार का क्यूब चौंसठ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, पाँच का हो जाएगा बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स, सिक्स में क्या कहा गया है, सिक्स में दिया हुआ है अट्ठारह का संबंध है बावन से, तो आपको बताना है कि बारह का रिलेशन किससे बनेगा, बारह का रिलेशन, तो अट्ठारह का बावन से रिलेशन बना हुआ है, अब कैसे बना हुआ है उसको हमें देखना है, अट्ठारह या चौवन होता है, अगर मैं इसकी गुणा तीन से करके और दो घटा दूं तो बावन हो जाएगा, अट्ठारह या चौवन माइनस दो, ऐसे ही बारह की मल्टीप्लाई तीन से करके अगर दो घटा दिया जाए, बारह या छत्तीस माइनस दो कितना बनेगा चौंतीस, अब चौंतीस है क्या, क्वेश्चन नंबर सिक्स का ऑप्शन नंबर ए ही आपके सवाल का उत्तर हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन, उम्मीद कर रहा हूँ क्लियर होते चले जा रहे होंगे, हर क्वेश्चन में अलग अलग ट्रिक है। क्वेश्चन नंबर सेवन है आपका, आठ का रिलेशन है नौ से और फिर हमें बताना है चौंसठ का संबंध किससे, तो कभी कभी इन क्वेश्चन में क्या होता है कि इसका संबंध इससे भी नहीं होकर पहले का तीसरे से और दूसरे का चौथे से भी बन जाता है, तो देखो यहाँ आठ का स्क्वायर लिखा हो तो नौ का स्क्वायर क्या आ जाएगा इक्यासी आ जाएगा, तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेवन का हो गया ऑप्शन नंबर इक्यासी, तो है ही नहीं किसी ऑप्शन में, इक्यासी तो किसी ऑप्शन में नहीं, तो फिर दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा, अगर इक्यासी होता तो इक्यासी आंसर हो जाता, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, देखो ये क्या लिखा हुआ, दो का क्यूब तीन का स्क्वायर चार का क्यूब, दो तीन लगातार हैं तो चार पाँच आएगा, तो पाँच का स्क्वायर क्या हो जाएगा पच्चीस, तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए पच्चीस है ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से तो जो हमने पहले तरीका सोचा वो ऑप्शन में नहीं था, तो इसलिए दूसरा तरीका सोचना पड़ेगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट, एट में क्या कहा गया है जी, एट क्वेश्चन देखो, एट में दिया हुआ है नौ सात, नौ का संबंध है सात से, तो फिर अस्सी का रिलेशन किससे हो जाएगा ये आपको बताना है, तो देखो यहाँ पहले और तीसरे का चल रहा है जो मैं पिछले क्वेश्चन में हम कर रहे थे, नौ का स्क्वायर इक्यासी माइनस एक, यानी कि नौ का स्क्वायर माइनस एक यहाँ लिखा हो, तो सात का स्क्वायर माइनस एक करेंगे तो कितना हो जाएगा 48, तो क्वेश्चन नंबर एट का आंसर हो गया 48, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन, नाइन को देखो, नाइन में क्या कहा गया है, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, वीडियो के अंत तक बने रहें। नाइन में दिया हुआ है 841 का संबंध है 29 से, तो 841 क्या होता है स्क्वायर रूट 841 का 29 होता है, उसी प्रकार से 289 किसका स्क्वायर रूट होता है, 289 का स्क्वायर रूट क्या होता है 17। ठीक। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइन का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर टेन देखेंगे, कुछ क्वेश्चन तो ऑरली सॉल्व होने हैं आपके। क्वेश्चन नंबर टेन है आपका, आठ का संबंध दिया हुआ है, टेन में आठ का रिलेशन क्या दिया हुआ है 28 से, तो बताना क्या है 27 का संबंध बताना है, तो देखो आठ या 24 माइनस प्लस एक, आठ या 24 प्लस चार 28, तो 27 या 81 प्लस चार 85, आपके सवाल का उत्तर 85, क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का उत्तर है। ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11,
11 को देखो ध्यान से क्या दिया हुआ है। बहुत जल्दी से इन क्वेश्चंस को करना है क्योंकि समय नहीं लगाना है आपको इन क्वेश्चंस में। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं वो उन्हीं के लिए टफ पड़ते हैं जो टॉपिक को अच्छे से करके नहीं जाते, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, तरीके समझें। क्वेश्चन नंबर है आपका 11। 11 में दिया हुआ है 72 का संबंध है 18 से। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। तो 56 का संबंध हमें बताना है। तो देखो 18 का 72 कैसे बन सकता है, अगर मैं 4 से भाग कर दूं 18 चौक 72 बन जाएगा, तो ऐसे ही अगर मैं 56 को 4 से भाग कर दूं तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या आ जाएगा, 14। ऑप्शन नंबर 11 का 14 तो है ही नहीं। अब फिर हमें दूसरे सिरे से सोचना पड़ेगा, जब 14 नहीं है तो फिर और क्या तरीका है। ये तरीका तो सिंपल सा दिख रहा था लेकिन ऑप्शन नहीं मिल रहा, तो फिर क्या करना पड़ेगा, मजबूरी है, दूसरा तरीका देखना पड़ेगा। तो यहाँ तरीका क्या है, देखो 7 और 2 इन अंकों को जोड़ो तो कितना मिलेगा, 9। 9 का दुगना कर दिया 18, तरीका समझ में आ गया। 6 5 कितना 11, 11 की गुणा 2 से कर दो 11 तो नहीं 22, 22 तो होगा ऑप्शन में, 22 भी नहीं है, 22 तो है। तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सवाल अच्छा था या नहीं कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को देखो, 12 में क्या दिया हुआ है, 12 है आपका 8 का रिलेशन 28 से है, तो आपको बताना है कि 15 का संबंध किससे होगा। तो देखो ये क्या है, 3 का स्क्वायर माइनस 1, ये क्या है 3 का क्यूब प्लस 1। तो ऐसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 4 का स्क्वायर माइनस 1, तो अब क्या आ जाएगा, 4 का क्यूब प्लस 1। सेम यहाँ जो तरीका चल रहा था 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो यह 4 का स्क्वायर माइनस 1 है, ये 3 का क्यूब प्लस 1 है, तो यहाँ 4 का क्यूब प्लस 1 आ जाएगा। तो 64 प्लस 1 कितना हो गया, 65। तो आपके प्रश्न 12 का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया है जी। 13 देखो, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, 3 का संबंध है 27 से, आसान है, 3 का क्यूब 27, तो 5 का 125, ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखो, 14 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14, 11 का संबंध है 38 से, तो आपको बताना है कि 13 का रिलेशन किससे बनेगा। 11 की मल्टीप्लाई 3 से करके 5 प्लस कर दो तो 38 बन जाएगा, 11 तिया 33 प्लस 5 38, तो ऐसे ही 13 तिया 39, और 39 में 5 जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा, 44, यानी कि 44। तो 14 का आंसर हो गया 44, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 देखो, 15 भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 15 8 का संबंध दिया हुआ है 20 से, तो 14 का संबंध हमें बताना है कि 14 का रिलेशन किससे बनेगा। तो देखो ध्यान से, 8 का संबंध किससे बन रहा है, 20 से। कैसे, अगर मैं 20 को 8 से डिवाइड करके देख लो, 8 दूनी 16 4 8, यानी कि ढाई का रिलेशन बन रहा है। 8 की अगर मल्टीप्लाई 2.5 से कर दी जाए तो 20 बन जाएगा, ऐसे ही अगर 14 की मल्टीप्लाई 2.5 से, तो 14 5 70, 14 28 और 7 कितना हो गया, 35। तो आपके प्रश्न का उत्तर हो गया 35। और एक तरीका और भी है, वो भी यही तरीका है कि देखो 8 का दुगना करो प्लस 8 का आधा करो, इन दोनों को जोड़ दो 20 बनेगा, 16 और 4 20, ऐसे ही 14 का दुगना प्लस 14 का आधा, तो ये हो जाएगा 28 और 7 35। दोनों ही तरीक़ों से आंसर आपका वही आएगा क्योंकि तरीके दोनों ही सेम हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 को देखो जी, 16 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 16 आपका दिया हुआ है 5.5 का संबंध है 30.25। तो अगर मैं 55 मान लूँ इसको, 5.5 नहीं मानता, 55 मान लूँ, तो 55 का स्क्वायर क्या हो जाएगा जी, 5 का स्क्वायर 25 और 5 अंक 30, 30 25, दो अंक के बाद दशमलव आ जाएगी क्योंकि यहाँ एक अंक के बाद है, तो यानी कि ये इसका स्क्वायर लिखा हुआ है। तो ऐसे ही आगे क्या दिया हुआ है आपका, 11, तो 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 121, और 121 कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, तो 16 का हो गया, 16 का डी। 17 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन को देखो, 17 में दिया हुआ है 10 का संबंध है 99 से, ऑरली कर लोगे, 10 का स्क्वायर माइनस 1 किया हुआ है, तो ऐसे ही 9 का स्क्वायर माइनस 1 करेंगे तो आंसर हो जाएगा 80, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 18 क्वेश्चन देखो, 18 में क्या दिया हुआ है, 25 37 49, तो 25 का संबंध है 37 से, ऐसे ही 49 का रिलेशन किससे होगा। तो देखो ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है,
ठीक ऐसे ये क्या है, सात का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे एक संख्या बड़ी थी, तो अब सात में एक संख्या बढ़ाओ, उसका स्क्वायर करके प्लस वन कर दो, तो आंसर क्या हो जाएगा, आठ का स्क्वायर 64 और एक 65, 65 है क्या, ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। ठीक उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 को देखो, 19 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 19 आसान है, 19 दिया हुआ है 1 2 3 4, बस इनका क्रम चेंज कर दिया है, 1 2 3 4 का संबंध दिया हुआ है किससे, 4 1 4 1 3 2, यानी कि ये यहाँ आ गया, ये यहाँ और ये यहाँ पहुँच गया, ये इस तरीके से आ गया। तो ऐसे ही आपको बताना है 5 6 7 8 का संबंध, तो ये 8 यहाँ पे आ जाएगा, ये जो सबसे लास्ट में पहुँचेगा, ये वाला जो है आपका सबसे लास्ट में ये वाला पहुँचेगा, 6 आ गया, फिर ये दूसरे नंबर पे कौन सा आ रहा है जो पहले पे था, ये 5 यहाँ आ गया, और ये 7 जो है ये ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा, तो 8 5 7 6 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, है कोई 8 5 7 6, हाँ जी ऑप्शन नंबर बी, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर आपका 20 में क्या कहा जा रहा है जी, क्वेश्चन नंबर 20 को देखो, 20 में दिया हुआ है 7 6 3 का रिलेशन दिया हुआ है आपका 8 5 6 से दिया हुआ है, 8 5 6 से दिया हुआ है, तो आपको बताना क्या है, बताना है कि 6 3 7 का रिलेशन किससे बनेगा। तो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस करके देख लो, 6 में से 3 गया 3 और 15 में से 6 गया 9, 93 का डिफरेंस है, यानी कि अगर इस संख्या में 93 प्लस कर दिया जाए तो हमें ये मिल रही है, तो ऐसे ही इस संख्या में 93 प्लस करके देखो, तो जब इसमें 93 प्लस करोगे, 7 और 3 10 कैरी हो गया 1, 10 और 3 13 कैरी हो गया 1, 730 हमें मिल रहा है, क्या कोई ऑप्शन 730, बी ऑप्शन आपके सवाल का उत्तर हो गया। तो कुछ क्वेश्चन जो है वो डिफरेंस करके भी होते हैं, और जो हमने सेकंड क्वेश्चन देखा था उसमें योग करके भी हो रहे थे, तो ये सारे तरीके हैं, जब तक आप इन टॉपिकों को समझोगे नहीं, क्लियर नहीं करोगे, अगर इसको ये समझते चले आए इस टॉपिक को कि ये तो एग्ज़ाम में ही देखेंगे, तो फिर आप पूरे नंबर नहीं ला सकते रीजनिंग के अंदर, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन है, कभी कभी जो है अगर हम एग्ज़ाम में इनकी प्रैक्टिस करके जाते हैं तो बहुत कम समय में बना लेते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें आपको टाइम भी लग सकता है, तो आपको देख के ही पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो जो कि जिसने तरीके ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े हुए होंगे, उसके दिमाग में स्टोर होंगे, तुरंत यहाँ पे जैसे कंप्यूटर में कोई फाइल, आपकी इतनी सारी फाइलें रहती हैं, तो आप उसको सर्च मोड में डाल देते हो, वो फाइल खुल के आ जाती है, अगर कोई फाइल नहीं मिल रही होती है, ढूंढ रहे होते हैं तो सर्च का ऑप्शन आता है, तो ऐसे ही आपके माइंड में जितने भी तरीके हैं सारे स्टोर हो जाएंगे, जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो वो आपका जो माइंड है वो सर्च मोड में चला जाए, कहीं ये तरीका तो नहीं, कहीं ये तरीका तो नहीं, लेकिन जिन्होंने टॉपिक देखा ही नहीं है वो तो क्या करते हैं कि एग्ज़ाम में ही करेंगे, तो फिर पूरे में से पूरे क्वेश्चन लाने का मतलब ही नहीं बनता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया हुआ है, 21 आपने कर भी लिया होगा, 3 18 13 का संबंध पूछा है, तो 3 का संबंध 18 6 से मल्टीप्लाई हो रही है, अगर मैं 13 की मल्टीप्लाई 6 से कर दूं तो 78 मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22 में दिया हुआ है 49 का रिलेशन 81 से है, तो 64 का रिलेशन किससे होगा, काफ़ी आसान सवाल है, 7 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर तो 10 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 2 का अंतर है, तो यहाँ भी 2 का अंतर होगा इन दोनों संख्याओं में, तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100 है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का उत्तर है। ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं, 23 में क्या कहा गया है, 23 देखो जी, 23 है आपका 37 का जो रिलेशन है वो दिया हुआ है 23 से, तो आपको बताना है 19 का रिलेशन किससे बनेगा, तो यहाँ अंतर करके अगर मैं देखूँ कितने का अंतर बैठ रहा है, 7 और 7 14 का अंतर है, तो अब 19 में अगर मैं 14 यहाँ पे 14 घटाया, 37 में 14 घटाया तो कितना आ गया 23, अब 19 में से 14 घटाओगे तो कितना आएगा 5, है कोई ऑप्शन, हाँ जी ऑप्शन नंबर बी, तो 23 का हो गया बी, क्लियर है, उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया हुआ है, 24 में आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 24 है 24 का रिलेशन दिया हुआ है 60 से, देन आपको बताना है कि 120 का संबंध किससे होगा, तो 24 को या तो देखो एक तरीका यही है कि 60 को 24 से भाग करके देख लो कितनी बार जा रहा है, तो ये लगभग 2.5 बार जाएगा, ठीक है 24 दुनिया 48, या फिर वही तरीका है
24 का दुगना प्लस 24 का आधा ऐड करेंगे तो वही बात हो गई, दुगना और आधा यानी कि ढाई गुना हो रहा है इसका। 24 दुनी 48 और 24 का आधा करेंगे 12, 48 और 12 कितना हो गया 60। तो ऐसे ही आपको 120 का करना है, 120 का दुगना 240 और 120 का आधा कितना हो जाएगा 60। तो 240 प्लस 60 आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 300, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और थोड़ा सा आपको उलझाने वाला भी क्वेश्चन है, लेकिन जो अच्छे से तैयारी कर रहे हैं रेगुलर प्रैक्टिस में उन्होंने कर भी लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, एम ओ का रिलेशन दिया हुआ है 13-11 से, तो आपको बताना है कि एच जे का संबंध किससे होगा। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, एम का कोड 13 होता है लेकिन ओ का तो 11 नहीं होता। चलो ओ का 11 नहीं होता है, इसमें इसका कोड ऐसे लिख दिया और इसमें क्या कर दिया इन्होंने, माइनस कर दिया है कितना 4। तो अगर मैं ऐसे करके देख रहा हूँ तो एच का कोड तो 8 हो गया और जे में जब 4 माइनस करूँगा तो 6 आना चाहिए, तो 8 6 कहीं ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब ये तरीका इसमें नहीं है। तो फिर इसमें क्या तरीका लग रहा है, देखो ध्यान से समझो, M का अपोजिट क्या होता है, N होता है। N का कोड क्या हो गया 14, 14 में से एक गया कितना बच रहा है 13। ऐसे ही O का अपोजिट क्या होता है L, L का कोड 12, 12 में से एक गया कितना हो गया 11, तो वही लिखा हुआ था, यानी कि अपोजिट के कोड में से एक घटाया जा रहा है। तो यहाँ पे भी H का अपोजिट S और S का कोड क्या होता है 19 में से एक घटेगा तो क्या हो जाएगा 18, और J का अपोजिट क्या होता है Q और Q का कोड होता है 17 और 17 में से एक घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 16। तो आपके प्रश्न का उत्तर है 18-16, ऐसा कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का उत्तर है। ठीक है जी, बहुत अच्छे से बहुत बारीकियों से इन क्वेश्चन को करेंगे, और ऐसा नहीं है कि वीडियो नहीं देखेंगे, वीडियो देखनी पड़ेगी अगर आपको रीजनिंग पूरी में से पूरे नंबर लेके आने हैं। यही टॉपिक होते हैं जिनमें से नंबर कटते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 को देख लेते हैं, 26 में क्या कहा गया है। 26 है आपका कि 19 का रिलेशन दिया हुआ है 37 से, तो 19 दुनी 38 अगर 2 गुणा 2 माइनस 1 किया जाए, गुणे 2 माइनस 1 अगर कर रहे हैं तो फिर क्या है संबंध 26 का पूछा है, तो 26 दुनी 52 में से अगर एक घटाएंगे तो 51 बैठना चाहिए, 51 ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर बी आपके सवाल का उत्तर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 भी 27 में दिया हुआ है कि सी ई का रिलेशन दिया हुआ है 70 से, तो हमें बताना है कि डी ई का संबंध किससे हो जाएगा, डी ई का रिलेशन। अगर मैं ध्यान से देखूं, सी का कोड 3 होता है, ई का 5, अगर 3 और 5 की गुणा की जाए 3 × 5 = 15, 70 नहीं मिल रहा, 3 के और 5 को जोड़ा जाए तो भी 70 नहीं मिल रहा, 5 का क्यूब और 3 का क्यूब आपस में करो तो भी नहीं मिल रहा, जोड़ के भी और घटा के भी, 5 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर भी। तो अगर देखो ध्यान से, ये 35 बन गया ना, सी का कोड 3 है और ई का कोड क्या है 5, तो ये संख्या 35 बन गई। अगर इनके कोड को एक साथ लिख लिया जाए 3 और 5 को, तो ये संख्या क्या बन गई 35। अब इसकी अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 70 मिल जाएगा, सेम प्रोसेस यहाँ पे हो गया 4 5, तो कितना संख्या बन गई 45। अब इसकी 2 से मल्टीप्लाई करो तो आपके आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये ए 27 का ए। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो एक बार लाइक कर दिया करो, कमेंट करके ज़रूर बता दिया करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। अब आपकी क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट हो गई है, इसी तरीके से सारे टॉपिक की क्वेश्चन सीरीज आपको मिलने वाली हैं, जितने भी टॉपिक पहले हो चुके हैं उनकी, उनमें बेसिक समझाया गया है, उन वीडियो को देखना जरूरी है, फिर क्वेश्चन सीरीज को हम करेंगे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे। चैनल के साथ बने रहें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अब क्वेश्चन नंबर है आपका 28 में कहा गया है, 3 का आपको दिया हुआ है, 3 का रिलेशन दिया हुआ है 243 से, तो उसी प्रकार से आपको बताना है 5 का रिलेशन किससे होगा। तो 3 का 243 से क्या रिलेशन बनेगा जी, 3 का 243 ये क्वेश्चन है, कभी इसको इसके साथ मान रहे हो, तो 3 की पावर 4 81 होता है, लेकिन 3 की पावर अगर 5 कर दी जाए तो हमें 243 मिल जाएगा। 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 5 243, क्योंकि 81 की 3 से मल्टीप्लाई करके देखो तो 243 ही तो बनेगा, तो यानी कि ये 3 की पावर 5 है। तो ऐसे ये 5 का संबंध किससे हो जाएगा, 5 की पावर 5। अब 5 की पावर 5 कैसे निकालोगे ज़रा बताओ मुझे, तो समय लगेगा। ऑप्शन से देख लो, ऑप्शन देखो कहाँ दिए हुए हैं इसके, ऑप्शन में दिया हुआ है 405,
क्या 5 की पावर 5 जब 5 का क्यूब ही 125 है और 5 की घात 4 625 है, तो जाहिर सी बात है 625 से ज़्यादा आंसर होगा और लास्ट में 5 होगा। तो लास्ट में 5 तो सभी ऑप्शन में है, केवल ऑप्शन नंबर डी को, तो ऑप्शन नंबर डी तो कट गया, और 625 से ज़्यादा आनी है, तो 625 से ज़्यादा एक ही ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है 3125, तो आपके प्रश्न का उत्तर हो गया बी 3125। ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं करनी आपको कि 5 की गुणा 5 बार कर रहे हैं ऑप्शन से। कुछ क्वेश्चन तो जो है मैथ की बात करो या रीजनिंग की, तो वो ऑप्शन से भी हो जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 को देखो जी। 29 भी काफ़ी अच्छा सवाल है। 29 में दिया हुआ है 6 का रिलेशन है आपका 18 से, तो 4 का संबंध किससे होगा, तो 6 * 18 = 4 = 12, सिंपल सा सवाल। लेकिन सिंपल सा सवाल तो है, ऑप्शन तो नहीं कह रहा ये, ऑप्शन में तो भैया कहीं पे 12 दिख ही नहीं रहा, तो फिर कैसे करेंगे। 6 * 18 = 4 = 12 आसान सा सवाल था, नहीं है ऐसा। अगर ये देखा जाए 3 का क्यूब - 2 कर दिया जाए तो ये किसी का क्यूब माइनस 2 नहीं बनेगा, ठीक है, ये तरीका भी नहीं है। तो फिर इसमें तरीका क्या है, इसमें एक तरीका ये भी लग सकता है कि देखो 6 की मल्टीप्लाई 3 से कर रहे हैं, यानी कि 6 के आधे से कर रहे हैं, तो 4 का आधा कितना हो गया, 2 = 4 * 8 8 है क्या ऑप्शन में, 8 भी नहीं है। तो भैया इतने आसान सवाल भी परेशान कर देते हैं एग्ज़ाम में। तो देखो इसमें तरीका क्या है, यहाँ पे अंतर देख लो कितने का चल रहा है, 12 का अंतर चल रहा है, 6 में अगर मैं 12 जोड़ दूँ तो 18 बन जाएगा, अब 4 में अगर 12 जोड़ दूँ तो कितना बन जाएगा, 16 बन जाएगा। 16 तो है ऑप्शन में, 16 भी नहीं है, देखो ज़रा, ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। ठीक है, समझ में आया। तो ये आसान से सवाल भी कभी कभी आपको उलझा सकते हैं एग्ज़ाम में, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम का प्रेशर ही ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 को देखो। 30 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 30 में आपका दिया हुआ है, 30 में कहा है 5 का संबंध है आपका 36 से, और बताना है फिर 6 का संबंध किससे होगा। अगर ये 5 की जगह ये संख्या 6 होती तो ये 6 का स्क्वायर हो जाता, आसानी से दिख रहा है। तो अब ये 5 को 6 करने के लिए यानी कि 1 जोड़ दो, अब ऐसे इसमें 1 जोड़ो तो 6 में 1 प्लस करेंगे आप, 6 में अगर आपने 1 प्लस किया तो कितना बनेगा, 7। अब 7 का स्क्वायर यहाँ पे लिख दो, कितना होता है, 49 है क्या ऑप्शन, ऑप्शन नंबर हो गया आपका सी आपके प्रश्न का उत्तर। क्वेश्चन नंबर 30 हो गया ये। 30 के बाद देखो 31 में क्या दिया हुआ है, 31 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन और आसान क्वेश्चन है। 31 4, 5, 6 का रिलेशन है 15 से, तो उसी प्रकार आपको बताना है 7, 8, 9 का रिलेशन किससे होगा। तो देखो ये 15 से ये संख्या तो कट नहीं रही, ठीक, अब इन संख्याओं में अंकों का योग करके देख लो, 5, 4, 9, 6, 15 बन गया, आसान था, तो अंकों का योग कर लो, ये कितना हो जाएगा, जब 3 संख्याएं लगातार हैं तो जाहिर सी बात है उनका योग क्या होगा, इनका औसत क्या हो जाएगा, 8, और कितनी संख्याएं, 3, 8 या 24, इसका योग हो जाएगा, तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, 24। ठीक है, ये फॉर्मूला कब काम करता है, जब लगातार संख्याएँ हों, अगर विषम संख्याएँ लगातार, मतलब सॉरी आपकी नंबर ऑफ संख्या जो दी हुई है ना, अगर वो नंबर ऑफ टर्म्स जिसे कहें वो विषम चल रहे हैं और लगातार संख्या है, तो बीच की संख्या औसत होगी। जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि मुझे 28, 29, 30, 31, 32 इन सब का योग चाहिए, तो कैसे निकाल सकता हूँ मैं आसानी से, देखो इन सब का औसत कितना आएगा, 30 आएगा। औसत क्या होता है, एवरेज क्या होता है, बीच की संख्या होती है, 30 आएगा, और कितनी संख्या है ये, 5, तो 30 की 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना बन जाएगा, 150। तो इसमें तुरंत एकदम योग करोगे तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। 30 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे तो ये इनका योग आ जाएगा, करके देख लो, 2 * 1 = 3, 3 + 9 = 12, 8 = 20 का कैरी हो गया 2, 5 * 3 = 8, 3 + 11 = 13, 2 = 15, 150 आया कि नहीं। तो योग करना कितनी जल्दी यहाँ पे, तो समय हमें बचाना है, समय का ही खेल होता है कंपटीशन। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर, तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, 24। अब 24 कौन सा ऑप्शन है, 24 आपका 31 क्वेश्चन था, 31 का हो गया 24 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 32 को देखो, 32 में क्या कहा गया है जी, 32 बहुत आसान क्वेश्चन है। 32 182 का संबंध पूछा गया है और दिया हुआ है क्या, 210 का संबंध दिया हुआ है 380 से, तो इसका डिफरेंस करके देख लो कितने का आ रहा है, 0, 8 में से 1 गया 7 और आपका 3 में से 2 गया, 170 का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि इस संख्या में से 170 घटा के या फिर 210 में 170 जोड़ के ये, तो 182 में 170 जोड़ के देखो, 2, 8, 7, 15 कैरी हो गया 1, 352, ऑप्शन है क्या कोई 352, 352 पहला ही ऑप्शन है जी, तो आपके सवाल का उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे 33 में क्या कहा गया है। 33 को देखो जी, 33 है आपका एक का रिलेशन है 4 से, तो उसी प्रकार क्वेश्चन मार्क 64 का रिलेशन किससे होगा ये हमसे पूछा गया है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो देखो यहाँ पे एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, फिर यहाँ पे 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, ठीक है। इस तरीके से सीरीज चल रही है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ये 4 का क्यूब है। तो यहाँ पे जब सीरीज चल रही है 1, 2, 3, 1, 2, तो यहाँ पे क्या आएगा 3, यहाँ इधर क्यूब है इधर स्क्वायर है, तो 3 का क्यूब यानी कि 27 आपके प्रश्न का उत्तर होना चाहिए। तो 33 का है ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का उत्तर हो गया, ठीक। उसके बाद 34 को देखो जी, 34 में क्या कहा गया है। 34 है आपका 18 का संबंध है 30 से, तो 36 का संबंध किससे होगा। 18 का संबंध 30 से तो 36 का संबंध किससे होगा। तो एक तरीका तो ये है, देखो 18 दुनी 36 तो 30 दुनी 60 है क्या ऑप्शन में, 60 ऑप्शन में नहीं है कि पहले की तीसरे से अगर रिलेशन बनना होता, सादृश्यता पहले की तीसरे से, तो दूसरे की चौथे से बन जाती, लेकिन ये है ही नहीं। तो फिर यहाँ पे हमने देखा 18 और 30 का रिलेशन कैसे बन सकता है, अगर 18 में 12 जोड़ दिया जाए। अब 36 में 12 ऐड करके देखना, 6, 2, 8 और 3 और 1, 4, तो 48 है ऑप्शन में क्या कहीं, 48 भी नहीं है, तो ये तरीका भी नहीं चल रहा। तो फिर इसमें तरीका क्या चल रहा है भाई, ये देखना बनता है। अगर मैं 18 की गुणा 2 से करके -6 कर दूँ, 18 दुनी 36 -6 कितना हो गया 30, तो ऐसे ही 36 की गुणा 2 से करके और -6 करके देखना, 36 दुनी 72 और 72 में 6 गया कितना हो गया 66। अब 66 तो है ऑप्शन में कि नहीं, हाँ 66 है ऑप्शन नंबर बी। तो तरीके हैं, ये तरीके एकदम से कैसे आपके दिमाग में आएंगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं, 35 में क्या दिया हुआ है। 35 क्वेश्चन है आपका कि 0.16 का रिलेशन दिया हुआ है 0.0016 से, तो आपको बताना है 1.02 का संबंध किससे बनेगा। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे 100 से अगर मैं भाग कर दूँ तो दशमलव बाएँ स्थान दो स्थान खिसक जाएगा, तो यहाँ पे भी आपको 100 से भाग कर देनी। तो जब 100 से भाग करोगे तो ये आपका बन जाएगा 0.0102, ये आपके प्रश्न का उत्तर होगा। है कोई ऑप्शन ऐसा, ऐसा ऑप्शन तो ऑप्शन नंबर सी दिखाई दे रहा है, तो आपके प्रश्न का उत्तर हो गया सी। इस संख्या को 100 से भाग करके ये आ रहा है, तो इसको भी 100 से भाग कर दो। अब 100 से भाग करेंगे तो दशमलव जो है वो खिसक जाएगा बाईं ओर दो स्थान, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 36, बहुत ही अच्छा और उम्दा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। 36 में दिया हुआ है 68 का रिलेशन दिया हुआ है 130 से, तो आपको बताना है क्वेश्चन मार्क 350। देखो बहुत उम्दा क्वेश्चन और आसान क्वेश्चन, यहाँ पे 4 का क्यूब प्लस 4 है, 5 का क्यूब प्लस 5 है। अगर सीरीज़ का टॉपिक आपने अच्छे से देखा है ना, तो ये टॉपिक बहुत आसान है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4, 5, 6 का क्यूब प्लस 6, 7 का क्यूब प्लस 7, तो 7 का क्यूब प्लस 7 ऑलरेडी रखा हुआ है, तो 6 का क्यूब प्लस 6 यानी कि 216 प्लस 6, 222, तो आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 222। अब 222 है ऑप्शन नंबर बी, क्लियर है। उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से क्लियर होता चला जा रहा होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। 37 में क्या कहा गया है उसको देख लेते हैं एक बार। 37 में दिया हुआ है 48 का रिलेशन दिया हुआ है 122 से, 48 का रिलेशन है 122 से, तो आपको बताना है कि 168 का रिलेशन किससे बनेगा, 168 का संबंध किससे बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखना है आपको, 48 का रिलेशन 122 से है, तो 48 का अगर मैं दुगना करूं, 48 का दुगना करूं तो 96 हो जाएगा, और 48 का अगर आधा करूं तो 24 हो जाएगा। तो 96 24 कितना हो गया, 96 24 120, लेकिन यहाँ 122 लिखा हुआ है, ठीक है। 2 प्लस करके देख लेंगे, ऐसे इसमें करो, इसका दुगना करो, 2 8 16, 2 6 12 और 1 13, 2 1 9 2 और 1 3, 336, और 168 का आधा कितना हो जाएगा आपका, 2 8 16, 2 6 8, 6 4 10 कैरी हो गया 1, 8 3 11 1 12, और ये हो गया आपका 422, 2 प्लस करने पड़ेंगे। 422 ऑप्शन में है क्या, देखो ज़रा ध्यान से, 420 नहीं है,
422 ऑप्शन में नहीं है, तो ठीक है ये तरीका नहीं है, तो फिर यहाँ पे इसको आपस में घटा के देख लो अंतर, 12 में से हट गया 4 और 11 में 4 गया, 74 का अंतर, यानी कि 48 में 74 जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 122। तो इसमें 168 में 74 जोड़ के देखो, 8 4 12 कैरी हो गया 1, 7 7 14 कैरी हो गया 1, तो ये हो गया आपका 242। 242 है क्या ऑप्शन? 242 242 भी नहीं है, 242 भी आपका ऑप्शन नहीं है, तो फिर इसमें क्या तरीका चल रहा होगा, इस चीज़ को देखना बनता है। तो देखो अब ये हमने दोनों ऑपरेशन लगा के देख लिए, जितने तरीके हमने सीखे थे, अब एक तरीका ये भी तो बन रहा है कि इसमें ये करके देखते हैं, ये स्क्वायर के आसपास की संख्या है, देखो ये 7 का स्क्वायर माइनस 1, ये 11 का स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर क्या हो रहा है ये 13 का स्क्वायर माइनस 1, तो 7 से 11 कितने का अंतर चल गया, 4 का अंतर, तो यहाँ 13 में 4 जोड़ोगे तो 17, और यहाँ क्या चल रहा है +1, तो 17 का स्क्वायर प्लस 1 करो, 289 और 1 290, 290 तो है या नहीं, 290 भी नहीं है, हाँ जी 290 है, ऑप्शन नंबर बी 290 आपके सवाल का उत्तर। ठीक है, तो ये तरीके सीखने के बाद ही आएंगे, ऐसे नहीं कि एकदम से आ जाएंगे, टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको लोग हल्के में लेते हैं, जबकि ये हर एग्ज़ाम में पूछा जरूर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 38 में दिया हुआ है 24 का रिलेशन है 60 से। अब ये देखो ये सवाल हमारा पहले भी आ चुका है, 24 का रिलेशन 60 से दिया हुआ है, तो 210 का रिलेशन आपको बताना है। ये क्वेश्चन नंबर 24 था, अगर आपको ध्यान हो तो, वीडियो अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 24 था, तो 24 हमने क्या किया था, 24 का दुगना 24 का आधा, तो 210 का दुगना कितना हो गया आपका 420, और 210 का अगर आधा करा जाए तो 105, तो 420 में आप 105 जोड़ देंगे, 420 में 105 जोड़ दो तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा 525, लेकिन इसमें 525 ऑप्शन नहीं है, 525 तो ऑप्शन है ही नहीं, या है कहीं, मुझे तो दिख नहीं रहा, तो इसका मतलब इसमें ये तरीका नहीं है, इसमें जो है ये तरीका नहीं है, यानी कि 24 की मल्टीप्लाई 60 से करने का तरीका नहीं है। तो फिर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ इसको अगर ध्यान से देखा जाए, ये आपका क्या लिखा हुआ है, 3 का क्यूब माइनस 3 नहीं है क्या, ये 4 का क्यूब माइनस 4 नहीं है क्या, ये 6 का क्यूब माइनस 6 नहीं है क्या, 3 4 यहाँ पे 1 प्लस चल रहा है तो 6 7, एक 6 में 1 प्लस करेंगे तो 7, तो 7 का क्यूब माइनस 7 कर देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। तो सवाल था वही उसके जैसा 24 के जैसा, बट इसमें कंडीशन अलग लगी हुई है, तो 7 का क्यूब 343 और उसमें से 7 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 343 में 7 गया 336, 336 है क्या जी ऑप्शन में, 336 ऑप्शन नंबर सी, 336 ऑप्शन नंबर सी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैंने कराने का प्रयास किया है जिससे कि ये टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 39 को देख रहे हैं, 39 में दिया हुआ है सी का संबंध है 16 से, तो एफ का देखो सी का कोड क्या होता है 3, अगर मैं 3 में 1 प्लस कर दूं तो कितना हो जाएगा 4 4 का स्क्वायर 16, ऐसे ही एफ का कोड क्या होता है 6 6 में 1 प्लस कर दो कितना हो जाएगा 7, तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपके सवाल का उत्तर हो गया। ठीक है, अर्ली हो जाते हैं कुछ सवाल, तो क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन को देखो, 40 में दिया हुआ है 6 का रिलेशन 222 से, अभी अभी किया था 6 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब कितना होता है 216 और 6 222 हो गया, ऐसे ही आपका 7 का क्यूब प्लस 7 343 में 7 जोड़ दो 350, यानी कि आपके प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए 40 का ए, क्लियर है। नेक्स्ट 41 देखेंगे, 41 में क्या दिया हुआ है जी, 41 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, डी ई का संबंध दिया हुआ है 10 से, तो आपको बताना है एच आई का रिलेशन किससे होगा, डी ई, डी का कोड 4 होता है, ई का होता है 5, डी का जो है कोड आपका होता है 4 और ई का होता है 5, अब 4 और 5 का यूज़ करके 10 कैसे बन सकता है, अगर इनको जोड़ें तो 1 प्लस करना पड़ेगा, तो यहाँ करके देखते हैं 8 और 9 17, 17 में 1 जोड़ देंगे तो 18 बन जाएगा, अगर यही तरीका अब हम अप्लाई कर रहे हैं तो ऐसा ऑप्शन है क्या, देखो 8 9 17 और 1 18 ऑप्शन है क्या, 18 देखो ऑप्शन में ही नहीं है, तो ये तरीका नहीं है, तो फिर इसमें तरीका क्या है,
चार पाँच का यूज़ करके 10 कैसे बन सकता है, अगर इसकी गुणा करके और उसका आधा कर दिया जाए तो क्या 10 बन जाएगा? 5 × 20 का आधा 10, ठीक। 9 × 72 का आधा 36। अब 36 तो होगा ऑप्शन में, 36 भी नहीं है, 36 है क्या? 36 हाँ है। कौन सा ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का उत्तर? क्वेश्चन नंबर 42। उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दिया करो कि हाँ चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही। कमेंट तो आप करते नहीं हो तो पता कैसे चलेगा। क्वेश्चन नंबर 42। 16 का रिलेशन है 56 से दिया हुआ है, तो आपको बताना है 32 का रिलेशन किससे बनेगा। तो देखो यहाँ पे पहले तीसरे का रिलेशन भी बन रहा है, 16 × 32, 56 × 112, ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी। तो पहले तीसरे का रिलेशन बन के भी क्वेश्चन हो जाते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि इसी का इससे संबंध निकले, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ आपका? 43 को ध्यान से देखना है, 43 अच्छा क्वेश्चन है। m × n 14 × 13, ये तो कोड ही है सीधे सीधे। m का कोड क्या है? 13 होता है, n का 14 होता है, तो f का कोड 6 और r का कोड क्या होता है? 18, तो 6 × 18 ऑप्शन नंबर सी, 43 का सी। 44 देखो, 44 में क्या दिया हुआ है आपका? 45 का संबंध दिया हुआ है 36 से, तो 63 का रिलेशन आपको बताना है कि 63 का संबंध किससे होगा। तो देखो सीधा सा, अब ये सवाल भी बहुत अच्छा है और उम्दा सवाल है, कैसे करोगे? देखो इसको, इसका तरीका कुछ और ही है। यहाँ पे अंकों का योग कितना रहा है? 9, 6 और 3, 9, यानी कि अंकों का योग जो है वो इधर भी बराबर है, 6, 3, 9। तो ऐसा ऑप्शन हमें ढूंढना है जिसमें अंकों का योग 9 बन रहा हो। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? पहला ऑप्शन है 8 बन रहा है, दूसरा 9 बन रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपके सवाल का उत्तर हो गया। और किसी ऑप्शन में अंकों का योग 9 नहीं बन रहा, तो ऐसे सवाल भी आ जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? 45 में क्या दिया हुआ है? 45 है आपका t/j = 2, ठीक है। अब t का कोड क्या होता है? 20, j का होता है 10, दोनों को डिवाइड करेंगे तो 2 ही आएगा। ऐसे ही x का कोड क्या होता है आपका? x का होता है 24 और h का होता है 8, तो कितनी बार जाएगा 24 में? 8 का टेबल 3 बार जाएगा, 3 times, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 45 का बी। उम्मीद है बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कहा गया है उसको देख लेते हैं एक बार। 46 है आपका, 11 का रिलेशन दिया हुआ है 5 से, तो फिर 17 का हमें बताना है कि 17 का संबंध किससे होगा। तो 11 का 5 से रिलेशन दिया हुआ है, तो 11 का 5 से रिलेशन किस तरीके से? 11 में अगर मैं कितना माइनस कर दूँ? 6, तो आपका 5 मिल जाएगा, और 17 में 6 माइनस कर दो तो कितना मिल जाएगा? 11 है क्या ऑप्शन? ऑप्शन नंबर है ही नहीं। जब नहीं है तो भाई छोड़ो, तरीका दूसरा ढूंढते हैं। अगर मैं 11 में से एक कम कर दूं तो ये कितना बन जाएगा? 10, और उसका आधा कर दिया जाए तो 5 बन जाएगा। ऐसे ही 17 में से एक कम कर दिया जाए तो 16, 16 का आधा कर दिया जाए तो कितना बन जाएगा? 8, 8 है ऑप्शन में। हाँ जी, ऑप्शन नंबर बी आपके सवाल का उत्तर है। ये इस तरीके से नहीं होंगे, ये अनुपात समानुपात मैथमेटिक्स की तरह नहीं होंगे कि बाहर बाहर वालों की गुणा और अंदर अंदर वालों की गुणा, अब इसको सॉल्व करने एक्स की वैल्यू निकालने लग जाओ। ये आपकी रीजनिंग की एनालॉजी है, ठीक है, जिनका मतलब वही होता है जो मैथ का है, लेकिन यहाँ पे इसका संबंध इससे हमें ढूंढना होता है कैसे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 47। 47 में क्या दिया हुआ है कि 0.01 का रिलेशन दिया हुआ है, 0.0001, तो आपको बताना है फिर कि 0.05 का रिलेशन किससे होगा। तो देखो ये इसका क्या चल रहा है? स्क्वायर चल रहा है। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो 2 अंक के बाद दशमलव है, तो 4 अंक के बाद दशमलव पहुंच जाएगा। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 4 अंक के बाद दशमलव आ रहा है, तो यहाँ भी इसका स्क्वायर करूँ, 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। तो अब 4 अंकों के बाद दशमलव जाना है, तो 2 तो आ चुके ऑलरेडी, तो 2 और आएंगे, तो आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 0.0025। तो आपके प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 47 का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक। उसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 48 में क्या कहा गया है जी? 48 को देखो बड़े ध्यान से, 48 में दिया हुआ है आपका कि 2112 का रिलेशन दिया हुआ है, 2112 का रिलेशन दिया हुआ है किससे? 8118 से। तो
आपको बताना है कि 1 2 2 1 का रिलेशन किससे होगा। तो ध्यान से देखो, ये इससे रिलेशन इसका बन रहा है, यानी कि ये दोनों तो इधर होगा, ये दोनों बीच में आ गए, तो अब इसका संबंध चौथे से होगा, तो ये दोनों एक एक तो इधर आ जाएंगे और 8 8 बीच में हो जाएंगे, तो 1 8 8 1 हो जाएगा आंसर। आपके प्रश्न का उत्तर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 देखो, 49 में क्या दिया हुआ है। 49 है आपका, 5 का संबंध है, 5 का रिलेशन 100 से है, उसी प्रकार 4 का रिलेशन 64 से है, फिर आगे हम बढ़ रहे हैं 4 का रिलेशन 80 से, और फिर बताना है कि 3 का रिलेशन किससे होगा। तो ये इसका 20 गुना है, ये इसका 16 गुना है, तो ये इसका फिर से यहाँ पे देखो 20 गुना है, 20 चौक 80, तो यहाँ पे 20 गुना, यहाँ 16 गुना, यहाँ 20 गुना, फिर यहाँ 16 गुना चलेगा, तो 16 3 48। तो 49 का जो आंसर हो गया आपका, वो हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 50 में क्या दिया हुआ है। 42 का रिलेशन दिया हुआ है 56 से, और आपको बताना है कि 110 का संबंध किससे होगा। तो ध्यान से देखो, इसमें इसको फैक्टर अगर किए जाएं तो 6 गुणा 7 7 गुणा 8, यानी कि लगातार फैक्टर चल रहा है, 6 7 42 7 8 56। तो यहाँ पे कितना हो रहा है, पहले छोटी संख्या फिर बड़ी संख्या, और दोनों जो हैं वो कॉन्सिक्यूटिव नंबर है, लगातार संख्याएँ हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 गुणा 11, तो अब क्या हो जाएगा 11 गुणा 12, तो 11 की 12 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा आपका ये 132। ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का उत्तर है। ठीक है जी, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा उम्मीद कर रहा हूँ। और लास्ट वीडियो में जो 5 सवाल थे उसमें से एक सवाल पूछा था एक बच्चे ने कि सर इसका आंसर कैसे आएगा, वो क्वेश्चन था आपका आई थिंक 36 क्वेश्चन था, 36 क्वेश्चन था कि NET का रिलेशन, NET का जो है वो कोड दिया हुआ था आपका 13 22 और आपका 7, तो आपको बताना था YAM का कोड बताना था। देखो N का अपोजिट के कोड लिखे गए थे ये, तो Y का अपोजिट क्या होता है B का कोड हो गया 2, A का अपोजिट Z का कोड हो गया 26, और M का अपोजिट N और N का कोड क्या होता है 14। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर था। ये लास्ट वीडियो में जो 5 क्वेश्चन मैंने छोड़े थे उसमें एक 36 वाला था, ये पूछा था एक बच्चे ने। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से ये वीडियो क्लियर हुई होगी। ठीक, अब इसमें एक टाइप और बचता है, उसको और देख लेते हैं कि उस टाइप में क्या है। उस टाइप में जैसे आपका होता है वो है ग्रुप एनालॉजी, इसको और देख लेते हैं इसमें क्या दिया है। जैसे कि क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, गिवन ग्रुप है आपका, गिवन ग्रुप दिया हुआ है 3 9 11। इस तरीके के सवाल में आपने बहुत देखे होंगे, 3 9 11 का जैसा ग्रुप कौन सा होगा। तो ध्यान से देखो, यहाँ इस संख्या का क्या चल रहा है स्क्वायर, और यहाँ जो स्क्वायर है उसमें 2 प्लस किया जा रहा है, 3 का स्क्वायर करके यहाँ लिख दिया, और 9 का 9 में 2 प्लस करके 11 है आ गया। अब इसके जैसा स्क्वायर, इसके जैसा ग्रुप कौन सा बन रहा है, ऑप्शन नंबर ए को अगर देखें तो 5 का स्क्वायर यानी पहली संख्या का स्क्वायर तो ठीक है, लेकिन 25 में 2 जोड़ेंगे तो 20 नहीं आएगा, तो पहला ऑप्शन तो हो गया गलत। दूसरा है 6 का स्क्वायर 36, और 36 में 2 जोड़ दिया 38, यानी कि इसके जैसा ग्रुप हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। इस तरीके का सवाल भी पूछने लगे ग्रुप एनालॉजी का, ठीक है, आपका नंबर एनालॉजी में ही। नेक्स्ट है 8 40 56, 8 40 और 56 का रिलेशन देखो किससे, किसके जैसा ग्रुप है ये, तो ये दोनों संख्याएं जो हैं पहली वाली से डिवाइड हो रही हैं, 8 5 40 और 8 7 56। अब ऐसा हमें ग्रुप ढूंढना है जिसमें 8 5 और 7, तो ऐसा है क्या ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन है 3 5 15 3 7 21, ऐसा और कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपके प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए। बस ग्रुप को पहचानना होता है कि इन संख्याओं में क्या ऑपरेशन लग रहा है, उसके जैसे ही ऑपरेशन जो है जिस ऑप्शन में लगेगा वही आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया हुआ है, थर्ड में दिया हुआ है आपका 23 29 37। अगर इसको ध्यान से देखा जाए, इस ग्रुप को 23 29 और 37, अगर इन संख्याओं को ध्यान से देखो, ये संख्याएं आपके क्या है, ध्यान से देखिए इन संख्याओं को, क्या है ये है आपके प्राइम नंबर।
प्राइम नंबर ही तो है, अभाज्य संख्याएं, ये किसी से नहीं कटती। तो अब ऐसा ग्रुप ढूंढो जिसमें अभाज्य संख्याएं दी हुई हों, 17, 21, 29। जी भाई 21 तो भाज्य संख्या है, ये तो हो नहीं सकता। 13, 15, 15 आपकी भाज्य संख्या है, 28 भी है। नेक्स्ट है 31, 37, ये दोनों तो अभाज्य हैं, लेकिन आपकी जो 49 है ये भाज्य संख्या, यानी कि तीनों प्राइम नंबर नहीं मिल रहे, और तीनों प्राइम नंबर हमें मिल रहे हैं ऑप्शन नंबर डी में। तो आपके प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके के भी सवाल आ जाते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर का पेयर आ जाता है, को प्राइम का पेयर आ जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर फोर में क्या दिया हुआ है जी, 8, 48, 64। तो यहाँ पे ये देखो, ये दोनों संख्याएं पहली संख्या से कट रही हैं, ये इसका 8 गुना है, 6 गुना, और ये इसका 8 गुना पहली वाली संख्या का। अब ऐसा कोई ऑप्शन है क्या 8, 48, 64? अगर देखा जाए तो पहला ऑप्शन है 8, 26, 30, नहीं बनेगा। 12, 24, 36 बन सकता है। 16, 34, 31 ये तो बनेगा ही नहीं, और ना ही डी बनेगा। कहने का मतलब ये है कि इसमें ऐसा ही ग्रुप हमें ढूंढना था। ऐसे ग्रुप का मतलब ये है कि इसमें तो ये दोनों संख्याएं इससे डिवाइड हो रही हैं, लेकिन ये 6 गुना ही 8 गुना, तो अब ऐसा ऑप्शन तो कोई मिल नहीं रहा कि 6 गुना 8 गुना वाला। तो हमें फिर क्या करना है, इस ग्रुप की जो लास्ट की ये दो संख्याएं हैं पहले वाले से कट रही हैं, तो अब ऐसा ऑप्शन ढूंढो कि जिसमें लास्ट की दो संख्याएं पहले ऑप्शन से कट रही हो। तो ऐसा ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ऐसा जो हमने करके देखा 8, 6, इसका 6 गुना और इसका 8 गुना, तो ऐसा कोई ग्रुप बन ही नहीं रहा। तो फिर क्या तरीका, हमने क्या दिमाग लगाया, क्वेश्चन का आंसर तो देना ही है, कैसे दोगे कि ये दोनों संख्याएं इससे डिवाइड हैं, तो ऐसा ऑप्शन ढूंढो जिसमें लास्ट की दोनों संख्याएं पहले से डिवाइड हो रही हों। तो ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 5, यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन और भी हैं, और भी मिलेंगे, लेकिन मैंने समझा दिया है कि इस तरीके से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका 137। इसके जैसा ग्रुप दिखना है। तो देखो यहाँ पे इन दोनों का अंतर 2 है, इन दोनों का अंतर कितना है 4। तो इन दोनों का जो अंतर आया और इन दोनों का जो अंतर आया, ये वाला अंतर इसका क्या आ रहा है, डबल आ रहा है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो दुगुना है इन दोनों के डिफरेंस से। तो यही चीज़ हमें ढूंढनी है। पहला ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन है 3, 7, 11, तो यानी कि 4 और 4 का अंतर है, तो ये इसका डबल तो है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, नेक्स्ट ऑप्शन में देखा 13, 17 और 29, तो 13, 17 का डिफरेंस हो गया 4 का, और 17 और 29 का डिफरेंस कितने का हो गया आपका 12 का। तो ये इसका दुगना है क्या, नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी। सी को चेक करो, 17, 21, 4 का डिफरेंस, और 21, 29, 8 का डिफरेंस। तो ये बाद की जो दो संख्याएँ हैं 21 और 29, इसका जो डिफरेंस है इन दोनों के डिफरेंस का दुगना आ रहा है, इसके जैसा ग्रुप बन रहा है। तो आपके प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमने एनालॉजी का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया है, आपकी तरफ से अभी बचा हुआ है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप कर सकते हैं उतने आपको करने हैं इस टॉपिक को अच्छा करने के लिए, ठीक है। मिलेंगे अगले टॉपिक में, तब तक के लिए सुरक्षित रहें, घर पर रहें, और देखते रहें अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानदायिनी ऑनलाइन क्लास।